हम पहुंचे हैं गाजीपुर, पूर्वांचल में यूपी का अंतिम छोर, जहां पर भूमिहार मतदाता मायने रखते हैं। सिर्फ गाजीपुर ही नहीं बल्कि यहां के आसपास की 15 लोकसभा सीटों पर भूमिहार एक अहम भूमिका में है। शुरुआत में गाजीपुर लोकसभा सीट में कांग्रेस और सीपीआई का मुकाबला होता रहा, लेकिन 1996 में मनोज सिन्हा ने यहां से बीजेपी के लिए द्वार खोला। 99 में चुनाव भी जीता, लेकिन बाकी चुनाव में यहां समाजवादी पार्टी जीतती रही। अफजाल अंसारी दो बार सांसद चुने गए, एक बार बीएसपी के टिकट पर और एक बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर। 2014 की मोदी लहर में मनोज सिन्हा एक बार फिर जीते, काम किया, विकास पुरुष की छवि बनी, लेकिन 2019 के जातीय अंगणित में ऐसे फंसे कि मनोज सिन्हा चुनाव हार गए। 2024 के महासमर में आखिर भूमिहार किसके साथ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए चलते हैं गाजीपुर के इलाकों में और पूछते हैं कि भूमिहार 2024 में किसके साथ। भूमिहार वोट की पावर क्या है, बस इसी से समझ लीजिए। यूपी बिहार की 21 सीट पर भूमिहार पासा पलट सकता है, जिसमें यूपी की 15 और बिहार की 6 लोकसभा सीट है। मोटा मोटा जाति का गणित ये है कि मोदी के 400 के जादुई आंकड़े को छूने के लिए भूमिहार बहुत जरूरी है। भारत की राजनीति में भूमिहारों का बड़ा कद रहा है। यूपी में तो रामनारायण, गौरीशंकर राय, झारखंडे राय, गेंदा बाबू, त्रिवेणी राय, कृष्णानंद राय, रास बिहारी, विश्वनाथ राय, पंचानन राय, कल्पनाथ राय, कुंवर रेवती रमन सिंह जैसे नेता रहे। मौजूदा बिहार में गिरिराज सिंह और यूपी के मनोज सिन्हा भूमिहारों के पोस्टर बॉय हैं। मनोज सिन्हा तो भूमिहार राजनीति की सबसे पॉपुलर लेबोरेटरी गाजीपुर से निकलते हैं। गाजीपुर में भूमिहार महज 50,000 है। परिसीमन के बाद 1.5 लाख भूमिहार बलिया संसदीय सीट में चले गए, लेकिन गाजीपुर की सियासत में भूमिहारों का दखल और रुतबा वही है, ये भी हार जीत का बड़ा फैक्टर है। परिसीमन में भूमिहार कम पड़ गए, MYMD राजभर की जाति गणित ने मनोज सिन्हा को उलझा दिया और चुनाव हार गई। इस बार 2024 में भूमिहार किधर वोट कर रहा है, मोदी को या फिर राहुल अखिलेश को? भूमिहार वोट का पैटर्न क्या है, जाति पर, धर्म पर, काम पर, किस नाम पर वोट कर रहा है भूमिहार? भूमिहार वोट का सबसे सॉलिड सैंपल फिरोजपुर गांव में मिला। भूमिहार बहुल्य गांव है। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश राय। ओम प्रकाश राय जी, जब आप 2024 का चुनाव देखते हैं जी, तो क्या स्थिति पाते हैं, भूमिहार लोग किसके साथ? सबसे बड़ी चीज भूमिहार हो चाहे कोई भी कास्ट हो, मोदी का एक ही काम है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। अच्छा, ठीक ना, तो काम हो रहा है। काम हो रहा है, ठीक ना, तो हमको उसी के साथ चलना है। उसी के साथ चलना है जी। तो जो सबका साथ सबका विकास जैसी बातें करता है, तो सोचता है कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है? नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता है। अब जिसके दिल में हो, क्या हम क्या बोल सकते हैं तो? अच्छा, नहीं, हमारा पूछने का मकसद ये है कि मुझे पता तो हो कि भाई आम आदमी से बात कर रहा हूँ कि कार्यकर्ता से बात कर रहा हूँ। हम घर के जो है ना सर, हर घर के लोग से बोलते कि बोलो तुमको कोई तकलीफ है? आज हम देख रहे हैं, थोड़ी देर पीछे हमारे छोटे भाई नगिंदर जी बैठे हैं मुसरौटिया, है ना, साहब जाएंगे तो लगेगा कि वो सिंगापुर हो गया है। अच्छा, सबको घर, सबको आवास, आदिवासी मुसर जानते हैं ना, मुसर सबको आवास, सबको घर। अच्छा, यहाँ तक लाइटिंग भी अपने घर के बगल में वो लोग फूल गेना का जो है फूल लगाए हुए हैं। अच्छा, रात भर जो लाइट जलती है। अरे, तो सिंगापुर हो गया कि नहीं हो गया? तो बाबा, आपका क्या नाम हुआ? नागेंद्र राय। नागेंद्र राय जी, 5 साल के काम को कैसे देखते हैं, भूमिहार समाज कैसे आंकता है मोदी सरकार के कार्यकाल को? बढ़िया है, हमन खातिर बढ़िया मोदी हम। अच्छा, काम भी बढ़िया करत हूँ, हमन के पेंशन भी मिल जाती है। पेंशन मिल रही है? मिल जाती है, 2000 खाता में भी पैसा आ जाता है। वो किसान निधि वाला? किसान निधि वाला सबको मिल रहा है। हाँ, तेरे नाम से खेत बा, जिसको मिल रहा है, मिल रहा है। मतलब यहाँ तो मोदी मोदी चल रहा है, जमीन पर क्या चल रहा है भूमिहार बड़ी ही बारीकी से विश्लेषण कर रहा है। अपनी जाति की भी बात कर रहा है और दूसरी जाति का वोट किधर जा रहा है उस पर भी दिमाग लगा रहा है।
लेकिन क्या पूरे फिरोजपुर में भूमिहारों का ऐसा ही पैटर्न है? भूमिहार जाति का युवा क्या कह रहा है? काम 5 साल का काफी बेहतर रहा अन्य सरकारों की अपेक्षा अगर बात की जाए तो, क्योंकि ज्यादातर सरकारें बहुत सारी बनती और बनी और गई, लेकिन जो सबसे मूलभूत जरूरतें जो थी गरीब परिवारों की, जैसे आवास हो गया, शौचालय हो गया, ये सारी चीजें अन्य सरकार में उपलब्ध नहीं हो पाया। नौजवान है, कहाँ तक पढ़े हैं? 10+2। 10+2 जी। उसके बाद अब क्या करते हैं? बस बेरोजगार घर पे बैठे हैं जी। अपना खुद का रोजगार है, अपना खुद का दुकान उकान चलाते हैं। अच्छा, दुकान चलाते हैं। जब आप अपने आप को बेरोजगार बताते हैं, तब राहुल गांधी भी हैं जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, धर्म की अफीम चटा दी है। नहीं, राहुल गांधी किस किस को रोजगार देंगे? बहुत से लोग पढ़ लिख के, जनसंख्या इतना बढ़ गया हमारे देश का, तो किस किस को राहुल गांधी रोजगार देंगे? मोदी जी कहते हैं कि स्वरोजगार करिए, अपना खुद का रोजगार करिए और कमाइए, जी और खाइए। हमारा भी यही है, अपना खुद का कमाते हैं खाते हैं। अच्छा, तो जब आप अपने आप को बेरोजगार कहते हैं तो भी आप मोदी से नाराज नहीं? हम खुश हैं मोदी से, मोदी ने विकास किया है। 500 साल से राम मंदिर पेंडिंग में पड़ा हुआ था, अभी आके मोदी सरकार में क्लियर हो गया, दूसरी बार जो सरकार बनी तो हम उससे खुश हैं। अच्छा, राहुल जब ये कहते हैं कि सबको धर्म की अफीम चटा दी है, राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर से रोजगार थोड़ी मिलेगा, तो उनकी बातें, राम मंदिर से रोजगार मिलेगा? राम मंदिर बना तो वहाँ पे तमाम दुकानें खुलेंगी, गाड़ी घोड़ा चलेंगी, तो भी तो रोजगारी हुआ ना। गाड़ी चलेगी, दुकान खुलेगा, मिठाई का दुकान खुलेगा, चाय का दुकान खुलेगा, फूलमाला का दुकान खुलेगा, वो भी तो एक तरह से रोजगारी है ना सर। अच्छा, ये तो रोजगार हुआ ना। तो अगर राहुल गांधी अपने झांसे में ना फंसाए, हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। अब तक गाजीपुर के जितने भूमिहार मिले सब मोदी मोदी करते मिले, लेकिन सवाल ये है कि फिर मनोज सिन्हा क्यों हार गए? इसका जवाब बगल के ही भूमिहार गांव के रहने वाले बच्चन राय, FPO यानी फार्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, और उनके साथ विनय राय बैठे थे जो काश्तकार है। भूमिहारों के वोटिंग पैटर्न को बड़ी ही बारीकी से समझाते हैं। सारी बिरादरियां मनोज सिन्हा के साथ हैं, मनोज जी के साथ रहती हैं और रहे, माने आगे भी रहते हैं, रहेंगे भी, क्योंकि यहाँ पर समीकरण जो है सपा बसपा का गठबंधन हो गया था, उस हिसाब से मनोज जी चुनाव हार गए। विकास तो बहुत किए थे, लेकिन अब जातिगत समीकरण में चुनाव हार गए। भूमिहार भाजपा को लेकर क्या सोचता है? भूमिहार तो पूरे देश में समझ लीजिए, जहां भी भूमिहार हैं, वो चाहे जो भी लड़े, भूमिहार भाजपा के साथ रहते हैं। भाजपा के साथ जी? क्यों? भाजपा की रीति अच्छी है, इसलिए लोग रहते हैं। हम लोग सपा बसपा में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, वहाँ की राजनीति जो है दूसरे टाइप की है, भाजपा की राजनीति साफ सुथरी है, इसलिए भूमिहार जो है रहते हैं भाजपा के। मोदी को वोट देगा? मोदी को? हाँ। किस बात पे? उनका हर काम अच्छा हो रहा है, जो भी काम करते हैं अच्छा काम करते हैं। तो सांसद कौन होगा, इस बात से फर्क पड़ता है या सिर्फ मोदी का चेहरा दिखता है? नहीं, कोई भी आएगा तो उसको वोट दिया जाएगा, वोट दिया जाएगा। हाँ। यूपी में भूमिहार 2-3% माने जाते हैं। पूरब में राय साहब कहे जाते हैं तो पश्चिम में त्यागी समाज में आते हैं। पूर्वांचल में महज 9-11% इनकी आबादी है। पूर्वांचल में 80-85 विधानसभा सीट और पश्चिम में 20-25 सीटों पर बैलेंसिंग फैक्टर है, यानी सूबे में भूमिहार 100-125 सीट पर जीत तय करते हैं, किसी को भी जिता सकते हैं। बलिया, घोसी, गाजीपुर और वाराणसी में भूमिहार वोटर हार जीत का बड़ा फैक्टर है। गाजीपुर के भूमिहार जाति के पैटर्न से देश के भूमिहार के संकेत को समझा जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि भूमिहार जहां जाता है एक साथ जाता है। देश भी यात्रा निकाल रहे थे। अरे भाई अखिलेश, ये लोग जात की जात पर ये लोग बात करते हैं। हाँ। तो अगर मनोज सिन्हा यहाँ से उम्मीदवार होते हैं तो वो जात नहीं है? नहीं, कोई आएगा तो हम लोग भाजपा को देंगे। अच्छा, भाजपा से कोई आ जाएगा? हाँ। हम लोग एकदम जय बोल के देंगे। जय बोल के देंगे? हाँ। बिना इस सवाल के कि कौन जात। हाँ। हाँ। कह रहे हैं जय बोल के वोट देंगे। मोदी जी ने वो काम किया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अच्छा, कौन कौन सा? धारा 370, किसी को उम्मीद नहीं थी कि जेएनके धारा 370 हट जाएगी। राम मंदिर हो गया, CA हो गया, CA जो चल रहा है, CA वाला, तलाक वाला है, जो भी, मतलब ऐसे काम हुए जिनकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी।
भूमिहारों में एक ही नाम, मोदी और योगी का काम। लेकिन छपरी गांव के इसी बैठक में पीली टी शर्ट पहने एक राय साहब थे, सबकी सुन रहे थे, मन में बहुत कुछ बुन रहे थे। चुनाव का वक्त आ गया है तो क्या स्थिति नजर आ रही है? स्थिति सर अच्छी है। किसकी हवा है? हवा तो बीजेपी की ही है। अच्छा। लेकिन जो सरकार जमीन पे उतार रही है कार्य को, वो जमीन पे नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्या कमी रहेगी बताइए जरा। जैसे अधिकारी लोग नहीं सुन रहे हैं। आज हमारे ग्राम सभा में 11 से 12 महीने तक खड़ंजा ही लगा हुआ है। और मैंने डीएम को दरखास्त दिया, एसडीएम को दिया, डीपीआरओ को दिया, वीडियो को लेकर दिखाया और मैंने सबको वीडियो भेजा भी है, व्हाट्सएप भेजा है, क्या बुरी स्थिति है बरसात में एकदम से जल काम नहीं हुआ। काम 11 महीना से देखिए खड़ंजा आपके सामने। अच्छा, आपका विधायक कौन सी पार्टी? विधायक है बेदीराम जो है सुहेलदेव के हैं। आज तो भाजपा से ही है। आज तो भाजपा में शामिल हो गए ना। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके ऐसे पार्टी के विधायक हैं जो भाजपा में शामिल हो गए हैं, भाजपा की सरकार है राज्य में जिसको खड़ंजा पीडब्ल्यूडी के तहत ही आता होगा, ये ग्रामीण विकास के तहत, ठीक है, केंद्र में मोदी है। अब आपके पास 5 साल में मिलने वाला वो मौका है जब बटन दबाना है, इतनी नाराजगी के बाद बटन कहाँ दबेंगे? सर बटन तो दबना वही है। कहाँ? मोदी को देख के दबना है बटन। शिकवा है, शिकायत है, लेकिन भूमिहारों के लिए तो मोदी ही सियासत है। जो अखिलेश यादव या राहुल गांधी या विपक्ष के नेता कहते हैं कि किसान अब की बार मोदी को सबक सिखाएंगे, अखिलेश जैसे राहुल गांधी क्या किसान के गवे थे, जैसे हमारा गांव, हम जो बचपन में थे तो फुल कांग्रेस था, ऐसे नैया डूबती गई, वोट कीमत हो गया कि आज इस गांव में हमें 2 वोट या 4 वोट यही कांग्रेस को मिलता था, वो भी वो कांग्रेस के जो देने वाले थे वो भी गुजर गए गांव से, तो हमारे गांव से कांग्रेस के नाम पर तो एक भी वोट नहीं है। और समाजवादी के नाम से कितने वोट है? 70-75 वोट मिल जाएगा यादव का। छपरी से निकले तो अगली डेस्टिनेशन रेवतीपुर थी, जहां 26,000 भूमिहार वोटर थे। पूर्वांचल में सेना में जाने को लेकर युवाओं में बड़ा क्रेज है। मोदी की अग्निवीर योजना को लेकर जब विरोध हुआ तो इस इलाके में नाराजगी दिखी थी। सो रिटायर्ड आर्मी पर्सन और उनके दोस्त दोनों राय साहब थे। अग्निवीर, क्या कोई मुद्दा है? कौन सा समाज सबसे ज्यादा है? राय साहब तो भूमिहारों का इसे गांव कह सकते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? शशिकांत राय। शशिकांत राय जी नौकरी करते हैं? सेना से रिटायर है। सेना से रिटायर है। तो आपके हिसाब से राय साहब, भूमिहार समाज किसके साथ? देखिए, समाज की बात नहीं है, हम पार्टी की बात कर रहे हैं। हमारा समाज सब लोग एक साथ है और हमको जो सम्मान दिया उसके साथ है। हमको जो मोदी जी यहाँ सम्मान मिला, मोदी जी के साथ है। अच्छा, मोदी जी ने सम्मान दिया, कैसे? हर तरह से सम्मान दिए हैं, हर तरह से हम लोग सुरक्षित हैं। हाँ, तो अखिलेश और राहुल जब घूमते हैं तो आप तो सेना से हैं, वो कह रहे हैं अग्निवीर लगा के भविष्य खराब कर रहे हैं। कोई भविष्य नहीं खराब कर रहे हैं, आने के बाद बच्चों को लाइफ दे रही है, कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? आने के बाद सरकार में भर्ती के लिए सब चीज के लिए सुविधा दे रहे हैं, कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? आपका नाम क्या हुआ सर? अविनाश कुमार राय। अविनाश कुमार राय जी तो आपके साथ ही है बचपन के? बचपन के साथ। अरे तो आप क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। अच्छा, आप व्यवसाय करते हैं, वो फौज से लौट के आ गए। अगर आपके नजरिए से मैं देखूं तो भूमिहार समाज में कितना फीसदी होगा जो इंडिया अलायंस के साथ होगा और कितना फीसदी होगा जो बीजेपी का होगा? बीजेपी तो ज्यादा होगा, यहाँ पर 50% ज्यादा। भूमिहारों में 90% मैंडेट मोदी की तरफ जाता है। लेकिन इस बीच उत्कर्ष मिल गए। हैरानी की बात यह है कि हाथ में एप्पल का फोन है और वोट बेरोजगारी पर देने की बात कर रहे हैं, मोदी पर सवाल कर रहे हैं, अखिलेश में आस देख रहे हैं। उत्कर्ष जी हाथ में आईफोन प्रो है। राहुल गांधी कहते हैं कि युवाओं को तो मोबाइल में रील देने में लगा रखा है। नहीं देखिए, अगर ऐसे देखा जाए प्रधानमंत्री मोदी जी का विकास तो मेरे हिसाब से युवाओं के लिए ठीक नहीं है। किसी भी सरकारी संस्थाओं को आप प्राइवेटकरण कर दे रहे हैं। एक सेना की भर्ती थी, लोगों को पूर्वांचल के लोग ज्यादा ही भर्ती के लिए इच्छुक होते हैं, जितने भी युवा होते हैं वो सोचते हैं कि मेरा लड़का भर्ती हो या वो, तो उसको भी आपने 4 साल कर दिया। देखिए मेरे हिसाब से ये लगता है कि इस बार हम लोग गाजीपुर में पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार तो बना नहीं पाए। वो भी एक पढ़ा लिखा बंदा है, वो भी पढ़े लिखे हैं, उनको भी अगर यहाँ के मुख्यमंत्री अगर बनाया जाए तो वो भी विकास करेंगे। लखनऊ का विकास नहीं हुआ,
किस चीजों, आप तो सिर्फ फीता काट रहे हैं, आप तो चीजों पे फीता काट रहे हैं, बनाई तो उसने ना। अब नतीजा क्या होगा, बात तो नतीजे पे आएगी। अब ऐसी नाराजगी का क्या हम करें कि भाई आप कह रहे हो कि नाराज हैं लेकिन वोट दे देंगे। इस बार सरकार में हम लोग की भी सीटें कुछ आएंगी लेकिन जीत का नहीं कह सकते हैं। कुछ आएंगी तो समाजवादी के लिए कुछ माने? हाँ, फिर भी 50 सीटों से ऊपर ही है हम लोग। अच्छा, समाजवादी 50 सीट जीत जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। आपको लग रहा है कि 80 में से 30 सीटें बीजेपी के पास आएंगी? एकदम मुझे लगता है कि नहीं, अब बीजेपी को लोग जान गए हैं। आप फ्री का राशन बांट रहे हो, यानी आप फ्री का खिलाना चाह रहे हो, लोगों को आदत पढ़ाना चाह रहे हो, तो ये सब चीजें जान चुके हैं लोग भी। इलाके में कहावत है, भूमिहार को समझना आसान नहीं होता, और ये तो सांसद चुनने की बात थी। कहावत का असली मतलब जब रिटायर्ड पर्सन रिपुसूदन राय से मिले तो समझ में आ गया। आप सुन रहे थे? हाँ, सुन रहा था। वो कुछ युवा कह रहे थे कि नौकरी नहीं मिल रही है, अखिलेश कमाल करेंगे, आपको क्या लग रहा है? नहीं सुनिए, अखिलेश जब थे क्या नौकरी सबको मिल गई थी? नहीं मिली थी, ये नौकरी कभी नहीं मिलेगी। पहले के अपेक्षा मोदी के राज में नौकरी नहीं मिलती है सरकारी, लेकिन सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, सबको कोई न कोई रोजगार मिला हुआ है, सब सुखी हैं पहले से। अच्छा, हाँ, सुधार हुआ है? सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। मोदी के रहने से देश का नाम देश विदेश में सब जगह बहुत चला है। अब मोदी विकास किया है, आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ गई, चांद पर गए, हर साइड में मोदी विकास किया है। मोदी माने थर्ड हम लोगों का इकोनॉमिक ये आ जाएगा, पांचवा है तो अखिलेश के टाइम में किसी के टाइम में क्यों नहीं था? चोरी हो रही थी, ये सब लुटेरा थे, अपने लिए लूट रहे थे। तो मोदी सबसे बेस्ट है, लेकिन सबके बावजूद ना मैं ईपीएस का कैंडिडेट हूँ। मोदी की गारंटी हमारे सामने फेल है, पेंशन हम लोगों का नहीं बढ़ाए, हम उनको वोट नहीं दूंगा, अपने लोगों को नहीं देने दूंगा। अच्छा, हाँ, इस चीज को आप श्योर कीजिएगा। गजब गजब बोले हैं आप, बोले कि मोदी बढ़िया है, शानदार है, देश को आगे बढ़ाए, लेकिन वोट मोदी को नहीं दूंगा। सुनिए, और बात है, मोदी विकास की बात करते हैं, देश सुखी हुआ है, सब लोग सुखी हुए हैं, लेकिन विकास एमएलए एमपी का हुआ है, जिनको 56 प्रकार का भोजन कैंटीन में मिलता है कम दाम में, उन लोगों का विकास हुआ है, पैसा उन लोगों का बढ़ता है, सरकारी कर्मचारियों का बढ़ता है। एक बात तो साफ हो गई कि भूमिहारों में मोदी ही चल रहा है, गाजीपुर का भूमिहार सैंपल तो यही कह रहा है। इस तरह का पंचायत भवन आपको किसी गांव में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही गांव बड़ा होता है तो नगर पंचायत बन जाती है और नगर पंचायत भवन हो जाता है, लेकिन अभी भी यहां पर ग्राम पंचायत है। झूले आ गए हैं, अभी लगने बाकी हैं, बाकी इक्विपमेंट यहां पे है, और ये राय साहब का सबसे बड़ा गांव है। भाई साहब पूर्व में जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, राजनीतिक तो नहीं है? गैर राजनीतिक है। क्या नाम हुआ भाई साहब आप? मुकेश राय। राय साहब, अगर आपसे हम पूछें 2024 में राय कहां किसके साथ, तो क्या तस्वीर नजर आती? देखिए, बलिया लोकसभा में और गाजीपुर लोकसभा में, जहां तक हम लोग नजदीकी से देख रहे हैं, यहां पे 90% भूमिहार बीजेपी के साथ है। युवा की बात करें तो राहुल जी का कोई भविष्य है? वो तो आपके भविष्य की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, उन जैसे कोई पद होगा तो ना आप हमारे भविष्य के बारे में चिंता करेंगे। आपके पास कोई पद होगा तब ना आप हमारे विषय में चिंता करेंगे। अगर वो चिंता कर रहे हैं तो आप उनको पद देंगे? नहीं नहीं, क्यों? हम 70 साल से देख रहे हैं आप।